तो ये मैंने वाइजर खोल दिया है और इसके ऊपर ही मैं लगाने वाला हूँ। तो ये अपनी ड्रिल मशीन। अभी ज्यादा फूंक मत फटका, मैं तो साला इधर ही ब्लैक मंबा। इतना बढ़िया था पर ये भाई आया मुन्ना भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइज, आज मैं लगाने वाला हूँ अपनी FG250 में ये वाइजर, तो इसे विंड सीट भी कहते हैं। तो करते हैं इसकी फिटिंग, और इसको फिट करना काफ़ी कठिन होता है। तो वैसे कठिन नहीं होता, पर ये ना अलग अलग साइज में आते हैं ना, इसको एडजस्ट करके लगाना काफ़ी कठिन होता है। ऊपर से गर्मी, बारिश के बाद तो वही बहुत गर्मी हो रही है। तो कल तक तो इतना ठंडा हो रहा था मौसम, तो चादर ओढ़नी पड़ी थी। अब गर्मी तो 9:30 हो चुका है और मुझे काफ़ी काम करना है। चलो इसको फिट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसको फिट करके। तो इसे फिट करने के लिए हमें चाहिए 2 क्लेम, तो इससे जो है इसमें वाइब्रेशन नहीं रहेगा, बाकी पेचकस और प्लास की मदद से फिट हो जाएगा। तो ये है अपनी FG250। तो सबसे पहले इसका पुराना वाइजर खोलते हैं। तो इसमें छोटा सा आता है, इसमें लगाते हैं बड़ा वाला वाइजर। तो ये रखा है। तो ये मैंने वाइजर खोल दिया है और इसके ऊपर ही मैं लगाने वाला हूँ। तो इस वाइजर में जो है ऊपर वाले होल तो मैच कर रहे हैं, पर नीचे वाले नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे तो इस जगह पर ड्रिल करना पड़ेगा। तो इस जगह पर, तो बाकी इस तरफ हम सपोर्ट देंगे। तो पहले इसमें छेद करते हैं। तो यहाँ पर पुराने वाइजर के हिसाब से मैं छेद कर रहा हूँ, तो 2 तो मैच कर रहे हैं हल्के हल्के, तो बाकी एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 में छेद करना पड़ेगा। तो इसमें जो है मैं पहले निशान लगा देता हूँ पेचकस से, तो फिर करते हैं इसमें ड्रिल से छेद। तो ये अपनी ड्रिल मशीन, तो शुरू करते हैं वही इसमें। तो भाई यहाँ पर मैंने जो है होल कर दिए हैं, पर होल जो है इसमें जो है 2 होल तो नेट बोर्ड लग जाएंगे, ये रह जाएंगे सिर्फ नीचे वाले 2, ऊपर भी जो है मैं फिट कर दूंगा। तो इसको बंद करने के लिए मैं इसमें टेप लगा दूंगा, वैसे दिखेगा नहीं है इसके ऊपर रखने के बाद इतना। तो भाई अपना विंड सीट फिट हो चुका है बढ़िया से, और बाकी इसमें काम रह गया है। तो यहाँ पर एक पत्ती लगानी है, तो इस जगह से जो है इस वाइजर के लिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको नहीं लगा रहा हूँ, तो इधर पर लगता है इस तरह से, जिससे ये हिले ना आगे पीछे। तो बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, अगर हिलेगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। तो फाइनली मैंने जो है वायर सही से लगा दिया है, और ये भी लगा दी है पत्ती, जिससे ये हिले ना, तो अभी वाइब्रेशन नहीं करेगा, बढ़िया से फिट कर दिया है। पासर भी लगा दिए हैं, तो अपने हाथ से काट के बनाए प्लास्टिक का, और भाई इस तरह की पत्ती लग गई है, तो अभी हिलेगा नहीं। तो बाइक कुछ ऐसी लग रही है। तो अब अपनी गाड़ी हो गई है रेडी, और मैं भी हो गया हूँ रेडी, और मौसम भी हो गया रेडी, तो बारिश होने वाली है अब। तो भाई वाइजर मैंने फिट कर लिया है, भाई बहुत तगड़ी गर्मी है, मतलब गर्मी से पिघल गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ बाल कटिंग करवाने के लिए, मेरे बाल भी काफ़ी बड़े हुए हैं, पर टाइम नहीं मिला था कटवाने का। तो बाल कटवाने के लिए मैं आ गया हूँ भाई भाई के पास, और अभी बाल मेरे ज़्यादा बड़े तो नहीं है, फिर भी कटा लेते हैं टाइम से, फिर टाइम मिले ना मिले, तो बहुत सारे काम है, तो हो सकता है शाम को कहीं जाना भी पड़े, तो दिखाएंगे आपको बहुत जल्द। ये है गाइज अपना गांव बिंदुखत्ता। तो हमारे यहाँ से मार्केट 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेन मार्केट 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है हमारे घर के सामने एक बड़ा सा फार्म, और दूसरी तरफ एक तरफ जंगल, तो टांडा जंगल है। तो ये आ गया हमारा घर, तो दाईं तरफ पे, और यहाँ से है कच्चा रास्ता। तो मैं ले आया हूँ मार्केट से चिकन, तो छुट्टी का दिन यानी चिकन खाने का दिन, तो अपना चिकन भी तैयार हो चुका है, खाते हैं इसको। तो खाना खाने के बाद मैं गया था सो, और 1 से लेकर 4 बजे तक मैं सो गया, काफ़ी ज़्यादा सो गया। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो चलते हैं मार्केट, और मार्केट में लगाते हैं अपनी बाइक में एक स्टिकर। तो अभी हम आए खत्री जनरल गिफ्ट एंड स्टोर सेंटर पर, और तो मैं तो जा रहा था मार्केट को, और मेरे साथ मिल गए कुछ कलाकार, तो ये बना रहे इंस्टाग्राम रील, तो इसलिए ले रहे हैं कुछ सामान। तो जतिन भाई, तो हमारे ये हैं नए इंस्टाग्राम ब्लैक मांबा, तो इनका तगड़ा रोल होने वाला आज, तो पूरी रुद्राक्ष माला लेके चल रहे हैं। तो मैं पिछली बार भी जो इनके साथ आया था, और कुछ वीडियो क्लिप बनाई हमने, तो उन्हें दिखाता हूँ पहले मैं आपको, और उसके बाद दिखाते हैं आपको आज की वीडियो क्लिप। 3 अभी ज्यादा खोपड़ी मत फटका, नहीं तो साला इधर ही खड़ी कर देगा। सब सही था। तो यहाँ पर जो है एक्टिंग का सारा सामान ले लिया भाई ने, इसे कौन पहनने वाला है? इसे ये पहनेंगे। अरे तो एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं ब्लैक मम्मा का। चलो एक बार बोल दो भाई यार, ब्लैक मम्मा, ब्लैक मम्बा। तो अभी हम आ गए ड्रीम कैफे में, तो चलते हैं भाई, यहाँ बनाएंगे हम रील्स। तो हमारे कलाकार तो कुछ ज़्यादा फास्ट हैं भाई,
ओहो भंडारी जी, अरे आपकी तो एक्टिंग में मजा आ गया भाई, गद्दर बिल्कुल रौला कर दिया है। तो ये कैफे है कारोड में, तो भंडारी जी का भाई मस्त कैफे है। और यहाँ तो गाइस मैंने अपना लुक बदल लिया है और छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम के लिए। यहाँ पर ब्लैक मामू रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर आए हम सब लोग जो है इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए। छोड़ तुरंत, कहना तुमने यार भाई आया मुन्ना भाई, यार अपने मुंह के छुपा रहा है नीचे से। चलो स्टार्ट हो ना, इतना बढ़िया था पर उसके साथ बोलना अच्छे ब्लैक मामा भाई आया मुन्ना भाई। तुम आया था अपनी बाइक में स्टिकर लगाने के लिए, तो अभी टाइम हो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये काम को, तो इस काम को बाद में करेंगे, तो आप जैसे छोड़ देते हैं। ऐसे फेल आ जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। तो हमारे लाल को मैं जब रोड बन गई, अच्छी बात हाई वे, पहले ये रोड बनी नहीं थी इस तरह की, नहीं थी, अब बन चुकी है बढ़िया रोड। पूरा दिन नहीं पड़ने के बाद अब मार रहा हूँ जिम में भाई, बॉडी बन चुकी है। तो अपनी हो चुकी है तगड़ी वाली एक्सरसाइज, तो अब ये भाई लोग आ गए तो ये करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं जल्दी आता था, लेट हो गया हूँ, बाकी लोग तो लेट ही आते हैं 7 बजे के आसपास। तो आज रात के बज के 10 और दिन में 3 बार नहाने के बाद जो है दिन का बचा हुआ चिकन खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सो। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।